करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईरान में जो होस्टेज क्राइसिस हुई थी 1979 में। आपको पता ही है कि इस हफ्ते हम ईरान की बात कर रहे हैं। तो 1979 में कुछ ऐसा हुआ, लोगों की जानें अटक गई, पूरी दुनिया की नजरें थी। दुनिया में बहुत कम ऐसा होता है कि एम्बेसीज को निशाना बनाया जाए। देशों के जो सेंटर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो दूसरे देशों में भी होते हैं, ठीक है। तो एम्बेसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जिस देश की एम्बेसी है उस देश की जमीन होती है दूसरे देशों में। तो एम्बेसी पे हमला करना मतलब देश पे हमला करना, ठीक है। तो एम्बेसी पे प्रदर्शन हुए बाहर, लेकिन हमला बहुत कम हुआ है। इसमें से सबसे बड़ा जो हमला था वो 1979 में हुआ, जब यहां पे हम देखते हैं कि अमेरिका के ऑफिसर जो एम्बेसी में काम कर रहे थे, जितने भी इंप्लॉयज थे, उन सबको बंधक बना लिया। एक साल से ज्यादा ये पूरा जो ड्रामा है वो चला है, और उसके बाद 444 दिनों के बाद इन सबको छोड़ा गया। जब तक इनको छोड़ा गया, 52 लोगों को बंधक बनाया गया था, 52 के 52 टूट गए थे पूरी तरीके से। भयंकर टॉर्चर हुआ था दोस्तों इनके साथ। यहां तक कि जब इनको छोड़ा गया था, जब वापस अमेरिका आ गए, तो बहुत से तो ऐसे थे, काफी वक्त तक ये जो टॉर्चर था ये इनके साथ रहा, लोग उबर नहीं पाए, इतनी बुरी हालत हो गई थी। क्या हुआ था दोस्तों, क्या सिचुएशन थी जब ये लोग बंधक थे, जब इनको कैद में रखा था, हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिरन को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आ गया था। मोहम्मद रिजा पहलवी, जो कि पहलवी डायनेस्टी के ही राजा थे, शाह थे बेसिकली, उनको हटा के रोहिल्ला खोमेनी आ गए थे। अब उनकी बायोग्राफी मैंने कल ही अपलोड की है। तो क्या हुआ था 1900 से 1989 तक, वो सब मैंने कवर किया है, देख लीजिएगा। ईरान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ का कल्चर हजारों हजारों साल पुराना है। लेकिन दोस्तों 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ जो ईरान में किसी ने बर्दाश्त नहीं किया। ईरान में अमेरिकन और ब्रिटिशर का राज चलने लगा, जिन्होंने पहलवी, जिनकी हेल्प से ये पहलवी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ 1945 के बाद, तो ईरान में डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी बहुत कम सालों के लिए आई, 1953 में, 1945 तक, 1945 से 1953 तक ईरान में प्राइम मिनिस्टर चुने गए। लेकिन 1953 में, 1953 में फिर एक तख्ता पलट हो जाता है और उस प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है और मोहम्मद रिजा को ले आया जाता है, जो कि पहलवी डायनेस्टी के राजा हैं। अब हम ये देख रहे हैं, ये तख्ता पलट किया था ब्रिटिश ने, अमेरिका का हाथ था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे, देखो डेमोक्रेसी आ जाएगी तो देश अपने हिसाब से रूल करेगा। अमेरिका और ब्रिटिश का बहुत इंटरेस्ट था यहां पे, क्योंकि ईरान में तेल बहुत मिलता है। अरे ब्रिटिश की कितनी सारी कंपनियां जो है वो हमें ईरान में काम कर रही थी, ठीक है, तेल के लिए। तो उनको पता था कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो भी प्रधानमंत्री आएगा वो हमारे अगेंस्ट ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई है, लोगों की सत्ता चलेगी। उनको चाहिए था कोई कठपुतली। तो पपेट कौन थे? पहलवी डायनेस्टी के मोहम्मद रिजा। मोहम्मद रिजा को अपनी अय्याशियों के लिए भी जाना जाता था। लेकिन 1963 में मोहम्मद रिजा व्हाइट रेवोल्यूशन ले आए, ईरान को मॉडर्नाइज किया, और ये उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई। यहां पे बहुत सारे राइट्स उन्होंने दिए पब्लिक को, स्पेशली औरतों को, रोड बनवाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। लेकिन ब्रिटिशर का भी हस्तक्षेप बढ़ता गया, इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, ईरान को ये बिल्कुल नागवार गुजरा। 1979 में रेवोल्यूशन आ गया, मोहम्मद रेजा कैंसर का इलाज कराने अमेरिका चले गए, और इधर रोहिल्ला खोमेनी फ्रांस से आ गए, क्योंकि उनको 1963 के बाद वो अमेरिका के खिलाफ बोलने लगे थे। तो रोहिल्ला खोमेनी को मोहम्मद रेजा ने पहले समझाने की कोशिश की, बाद में बोला कि दोबारा देश में दिखना नहीं, एग्जाइल कर दिया उनको, बाहर भेज दिया कि बाहर ही रहो, यहां मत आना। बाहर से फिर रोहिल्ला खोमेनी अपना पूरा मूवमेंट जो है वो चला रहे थे कि ईरान का कल्चर दोबारा वापस आना चाहिए। तो 1978 में जब हम ये देखते हैं कि बाहर गए अपना इलाज कराने मोहम्मद रिजा पहलवी, इधर खोमेनी आ गए मिलिट्री खोमेनी के साथ, वो भी देखिए मिलिट्री में भी तो इंसान ही रहेंगे ना, ईरान के ही आदमी थे, जितने भी ईरान के लोग थे वही तो मिलिट्री चला रहे थे। तो जब ईरान की मिलिट्री ने यह देखा कि मोहम्मद रिजा साहब जो हैं वो ईरान को पूरा बदल रहे हैं और ब्रिटिशर हम पे कब्जा कर लेंगे, ऐसे तो खोमेनी का स्वागत होता है, लाखों लाखों लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, और क्रांति आ गई 1979 में। मोहम्मद रिजा को पता था कि अब अगर वो वापस लौटे उनको सरेआम फांसी दे दी जाएगी, ठीक है। अब यहां पर खोमेनी का और ईरान के लोगों का यह मानना था
कि रेजा पहलवी को हमारे हवाले करो। अमेरिका में था रेजा पहलवी, वहां पे ही रह रहा था। रेजा पहलवी पे मुकदमा चलाया जाएगा, ईरान के लोगों ने कहा, और उसको फांसी दी जाएगी, उसने जो क्राइम किए हैं। सीधी बात, नो बकवास, रेजा पहलवी को हमारे हवाले करो। अमेरिका ऐसा नहीं करना चाह रहा था, ठीक है भाई, उनको मतलब काफी मदद भी की थी, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ज्यादा थे, तो सही नहीं था हवाले करना, ठीक है, उनको पता था इनको मार दिया जाएगा। अब यहां पे अमेरिका मान नहीं रहा, लोग गुस्सा रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ वैसे ही बहुत ज्यादा नारे लग रहे थे, ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी अमेरिका की, आपको बता दूं कि जब रेवोल्यूशन आया था 1979 में, तो बहुत सारे बिजनेसमैन, ठीक है, जो ईरान के भी बहुत बड़े बड़े लोग थे और अमेरिका के भी जो यहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे, ठीक है, और जो बहुत इंडस्ट्रीज जो ब्रिटिश और अमेरिका ने लगाई थी, रातों रात वो चली गई थी, रातों रात बंद हो गई थी, क्योंकि ईरान ने सब कंट्रोल में ले लिया था, और लगभग 30 से 40 लाख लोग ईरान छोड़ के भागे थे कि हमको भी मार दिया जाएगा, ठीक है। यहां पे ये सब कुछ हो रहा था, तो 1979 के बाद अमेरिका पे तो जो भी अमेरिकन दिखेगा ईरान में उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और इसका निशाना बनने वाला था अमेरिका की एम्बेसी। अमेरिकन सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? अमेरिका की एम्बेसी में, जो कि ईरान में स्थित थी, तेहरान में अमेरिका की एम्बेसी थी, और वहां पे हजार अमेरिकन काम करते थे। लेकिन जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ, सबको वापस बुला लिया गया, ठीक है, 60 लोग बचे थे वहां पे, ठीक है, 60 लोग काम कर रहे थे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि एम्बेसी को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, एम्बेसी को हाईजैक कर लिया जाएगा, वहां पे लोगों को किडनैप कर लिया जाएगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। शुरुआत हो जाती है दोस्तों अब 1979, 1980 और 1981 में, ये अमेरिका के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि इसका प्लान बनना शुरू होता है, स्टूडेंट्स प्लान बनाते हैं कि कैसे एम्बेसी को अटैक किया जाए, ठीक है ना। अब अमेरिका को यहां पे आनन फानन में रिएक्ट करना चाहिए था, तुरंत कुछ करके उन सबको निकालना चाहिए था, लेकिन अमेरिका यहां पे फेल हो गया, ठीक है। उस समय जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे 1977 से लेकर 1981 तक, इसके बाद रोनाल्ड रेगन आई 1981 से लेकर 1989 तक। रोनाल्ड रेगन की बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है, तो आप जरूर देखिएगा। तो यहां पे जितने भी लोग थे ईरान के, स्पेशली जो स्टूडेंट्स थे, वो क्या बोल रहे थे? शाह पहलवी को हमको वापस दो। अमेरिकन एम्बेसी के पहले तो बाहर प्रदर्शन होना शुरू हो गए क्रांति के तुरंत बाद, ठीक है। उसके बाद यहां पे लोगों की भीड़ एम्बेसी के बाहर जुटना शुरू हो गई, बसेस में आते थे, भर भर के लोग आते थे, और अमेरिकन एम्बेसी के खिलाफ, अमेरिकन के खिलाफ एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन होता था। अब जो अंदर एम्बेसी, जो एम्बेसी के अंदर थे, अब उनको डर लगने लगा, अब उनको लगा कि अब प्रॉब्लम हो रही है। तो यहां पे एम्बेसी पे हमला किया गया, पत्थरबाजी हुई पूरी बिल्डिंग पे, गेट तोड़ने की कोशिश की गई, जो सिक्योरिटी थी अंदर, सिक्योरिटी को शुरू में जो स्टूडेंट्स थे, ये पूरा स्टूडेंट ने किया था, ठीक है, पूरा प्लान जो है। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये एम्बेसी पर अटैक करने की साजिश रची जा रही थी, तो खोमेनी को पता नहीं था इसका, ठीक है। कुछ सोर्सेस ये कहते हैं कि रोहिल्ला खोमेनी को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और यहां पे ईरान के कुछ ऑफिशियल्स ने रोहिल्ला खोमेनी को बताया भी नहीं। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इन स्टूडेंट्स पे मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये एम्बेसी को अटैक कर रहे हैं और इनको मार दिया जाए। लेकिन 1980 में रोहिल्ला खोमेनी का इसको समर्थन प्राप्त होता है। ये जो पूरा का पूरा प्लान था, रोहिल्ला खोमेनी इसको सपोर्ट करता, कि अमेरिका ने इतने सालों से जो हमारे साथ किया, ठीक है, हमारे साथ इतना अत्याचार किया है और हमको कहीं का नहीं छोड़ा, अब उनको अपने पापों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सच बात है दोस्तों, अमेरिका ने बहुत अत्याचार किए, ठीक है, अपने कैपिटलिस्ट नेचर थे, अमेरिका ने बहुत कुछ किया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि रोहिल्ला खोमेनी का जब समर्थन स्टूडेंट्स को प्राप्त हुआ, तो वो रुके नहीं, उन्होंने बोला अब तो एम्बेसी पे अटैक करो, जितने भी लोग हैं उन सबको बंधक बनाओ। तो 14 फरवरी 1979 में ऐसा पहला इंसिडेंट होता है जब एडोल्फ डब्स को किडनैप कर लिया जाता है, गोली मार दी जाती है काबुल में, ठीक है, अफगानिस्तान में हालांकि यह हुआ, लेकिन यह अमेरिका पे पहला हमला था। उसके बाद दोस्तों बहुत कुछ होता है, ठीक है। सबसे पहले जिनको बंधक बनाया जाता है वो अमेरिका मरीन के सोल्जर केनेथ क्रॉस होते हैं। केनेथ क्रॉस को पकड़ा जाता है, मारा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरानियन पीपल्स फिदाई गोरिलास, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे जो क्रांति के समर्थन में थे। तो केनेथ क्रॉस को पकड़ा जाता है, उनको मारा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, फिर उनके ऊपर मर्डर का मुकदमा चलता है। उनको मौत देने ही वाले होते हैं, फांसी पर लटकाने ही वाले होते हैं कि अमेरिका इंटरवीन करता है और 6 दिन के अंदर उनको बाहर निकालता है फिर वहां से। बहुत फेमस ये भी इंसिडेंट है, वैलेंटाइन डे ओपन हाउस के नाम से
इस पूरे एक्शन को अंजाम दिया गया था। तो किसी तरीके से उनको बचाया जाता है, कुछ लोगों को रिलीज कर दिया जाता है एम्बेसी के जो अंदर होते हैं, ठीक है। जब कुछ लोगों को रिलीज किया जाता है तो बाकी लोगों को थोड़ा ढांढस बंधता है कि हम लोगों का भी नंबर आएगा और हमको भी रिलीज कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या तो यहां पे दोस्तों आप अमेरिकन एम्बेसी को ये लोग अपने कब्जे में लेंगे। सितंबर 1979 आ जाता है, अमेरिकन एम्बेसी को अपने कब्जे में लिया जाता है। दो बार अटेम्प्ट किया जाता है, पहला अटेम्प्ट इतना सक्सेस नहीं होता, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में अल्टीमेटली ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो 52 अमेरिकन को वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। मांग क्या होती है कि हमको सिर्फ शाह चाहिए, फांसी देनी है उसको, अमेरिकन शाह को वापस दो, डेथ टू अमेरिका। ईरान की गली गली में ये नारे लग रहे थे, डेथ टू अमेरिका, अमेरिका का झंडा जलाया जा रहा था और अमेरिका में भी जो ईरानियंस दिख रहे थे उनको मारा जा रहा था, अमेरिकन उनको भी मार रहे थे। तो यही हिंसा का दोस्तों यही होता है, ठीक है। हिंसा हिंसा को ही जन्म देती है, ठीक है। ये नहीं है कि हिंसा किसी को रोक देगी, वो जितनी आप हिंसा करेंगे वो और, ये तो आग है, ठीक है, ये फैलती जाती है, रुकती नहीं है। तो यहां पे अमेरिकन और ईरान इस आग में, इस हिंसा की आग में दोनों जल रहे थे, ठीक है। तो ये चीज है। अब एम्बेसी में टॉर्चर शुरू होता है। अब अमेरिकन सरकार ने ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, ठीक है, अमेरिकन सरकार ने कई बार रेस्क्यू करने की भी कोशिश की, कई ऑपरेशंस बनाए गए। इसमें मिलिट्री ऑपरेशन था, ऑपरेशन ईगल क्लॉ हो गया, ऑपरेशन क्रेडिबल सपोर्ट हो गया, लेकिन ये दोनों ऑपरेशन फेल हो गए और ये बहुत बड़ी बेइज्जती हुई अमेरिका की कि अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस कुछ नहीं कर पाई, हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, कभी हेलीकॉप्टर खराब हो गया, कभी मौसम ने साथ नहीं दिया। दोस्तों ये ऑपरेशन किया कैसे जाता है, आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोई, मतलब एक अगर देश में हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो उस देश की आर्मी होती है, वहां पे लोग होते हैं, तो कैसे किसी देश की आर्मी उस देश पे जाके पूरा ऑपरेशन कर सकती है। दोस्तों ये पूरा प्लान होता है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जो कि हथियार बंद होते हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है दूसरे देशों में, और स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स होते हैं, जो भी दिखता है उनको मारते हैं ये लोग, ठीक है, अगर उनके रास्ते में आते हैं, और वहां से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, ठीक है। काफी बहादुर ये सब कमांडोज होते हैं। तो अमेरिका ने कोशिश तो की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। और जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुए, पहले तो ये जो स्टूडेंट्स थे एम्बेसी में ही सबको बंधक बनाए थे, लेकिन जब पता चला कि अमेरिका इस तरीके का ऑपरेशन कर रहा है तो सबको बांट दिया गया, अलग अलग जगह भेज दिया गया तेहरान में, ताकि पता ही ना चले कि जिनको हमने बंधक बनाया है वो है कहां, अमेरिका को कभी पता ना चल पाए, तो और खतरनाक कंडीशन होगी। तो और अल्टीमेटली जेल में बंद कर दिया था, ठीक है, सबको उठा के जेल में बंद कर दिया था बाद में। इसमें से दोस्तों 6 अमेरिकन को बचा लिया गया था, यह बहुत ही बेहतरीन कहानी है। 6 अमेरिकन को बचाया गया था, कैनेडियन एम्बेसी ने इनको रिफ्यूज दी, ठीक है, कैनेडियन एम्बेसी में ये रह रहे थे, कैनेडा ने हेल्प की। और यहां पे 6 अमेरिकन को पता है किस तरीके से बचाया गया था, उनको पता था मिलिट्री ऑपरेशन इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो यहां पे अमेरिका की CIA एक फिल्म क्रू बन के आई थी कि हम कैनेडा से आए हैं, हमको फिल्म की शूटिंग करनी है और हमको लोकेशन तेहरान में मिली है, तो हम यहां पर शूटिंग करने आए हैं। तो इन 6 अमेरिकन के पास गए ये CIA जो कि फिल्म क्रू बन के आए थे, और इन 6 अमेरिकन से बोला कि कल हमको जाना है वापस, तैयार हो जाओ। बड़ी बेहतरीन स्टोरी है दोस्तों। उस फिल्म का नाम था जिसका क्रू बन के आए थे, वो कभी बनी नहीं, फर्जी था, ये पूरा नाटक था ताकि 6 अमेरिकन को किसी तरीके से बचाया जाए। उस फिल्म का नाम था आर्गो। आर्गो एक मूवी भी बनी है दोस्तों, बेहतरीन मूवी इस स्टोरी पे ही बनी है कि किस तरीके से 6 अमेरिकन को वहां से निकाला गया था। तो आर्गो आप मूवी जरूर देखिएगा, आप ब्रेथ टेकिंग मूवी है, सांसें रुक जाएंगी। 1979 में क्या चल रहा था और कैसे इनको बचाया गया, पूरी की पूरी मूवी उस पे बेस्ड है, और कमाल की मूवी है। बेन एफ्लेक की डायरेक्शन है और बेन एफ्लेक हीरो है, वही बैटमैन वाले। तो देखिएगा दोस्तों ये मूवी। तो यहां पे 6 अमेरिकन को किसी तरीके से बचा लिया गया, लेकिन बाकी 52 अमेरिकन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। 28 जनवरी को दोस्तों हम ये देखते हैं कि इनको निकाला गया, इन 6 अमेरिकन को, कैनेडियन पासपोर्ट, और पूरा प्लान किया गया कैसे निकाला जाए। तो बेहतरीन स्टोरी है। अब दोस्तों हम ये देख रहे हैं, ईरान ने अपनी मांग रख दी। ईरान ने बोला सबसे पहले तो हम इनको तभी छोड़ेंगे, पहले शाह पहलवी को भेजो, उसके बाद जो तुमने हमारे साथ किया अभी तक उसकी माफी मांगो। फिर तुमने 1953 में तख्ता पलट किया था, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए, उसकी माफी मांगो, और तुम्हारी जितनी भी जमीनें हैं, जो भी इंडस्ट्रीज है, वो अब हमारी होंगी। तो ये सारे कुछ कंडीशंस थी ईरान की, तभी हम इन बंधकों को छोड़ेंगे, इन 52 लोगों को छोड़ेंगे। दोस्तों अब दिक्कत शुरू हो गई।
इस तरीके से ऐसे इनको बाकायदा परेड करवाई जाती थी, और ये तस्वीरें अमेरिका में जब जाती थी तो अमेरिका के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते थे। ऐसे पूरा होता था ये, जो भी अमेरिकन, जो भी फिरंगी मिलता था, पता चल गया वो अमेरिकन है तो पीछे बंदूक लेके ऐसे परेड करवाई जाती थी, और काफी ह्यूमिलिएटिंग था ये अमेरिका के लिए, काफी बेइज्जती की बात थी। 444 दिन तक दोस्तों ये क्राइसिस चला है, 444 यानी कि लगभग डेढ़ साल तक इनको, डेढ़ साल तो नहीं, डेढ़ साल से थोड़ा कम इनको बंधक बनाया गया, 444 दिन तक, और उसके बाद इनको छोड़ा गया है, इन 52 होस्टेजेस को। अब देखिए क्या होता है, जब इनको बंधक बनाया गया तो वहां पे क्या बोला गया, ईरान के जो स्टूडेंट था, जो स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, इसी ने प्लान बनाया था, नाम बड़ा अजीब सा है, ठीक है, क्या नाम है, असगर जादे, इसी ने ही, असगर जादे, इसी ने ही प्लान बनाया था, ये स्टूडेंट लीडर था, ठीक है। तो उस समय क्या बोला था इन स्टूडेंट्स ने कि अरे परेशान मत हो, हमने इनको बंधक बनाया है लेकिन हम बिल्कुल यातना नहीं दे रहे हैं, इनकी हम पूरी इज्जत कर रहे हैं, इनको हम बहुत अच्छे से रख रहे हैं, ये हमारे मेहमान हैं, हम मेहमानों के साथ ऐसी बदसलूकी नहीं करते, हम बिल्कुल भी नहीं इनको खराब तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे से हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये भी इंसान है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते इसी तरीके की बातें की गई कि सब कुछ बढ़िया है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में पता है क्या था, इतना भयानक टॉर्चर था दोस्तों, इतना भयानक टॉर्चर था कि मैं क्या बताऊं। इन 52 होस्टेजेस ने, इन 52 लोगों ने वो झेला है, एक साल तक पूछिए नहीं, इनको लगातार मारा जाता था, ठीक है, इनको बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, इनको धमकाया जाता था कि तुम्हारा परिवार अमेरिका में है, अमेरिका में जाके तुम्हारे परिवार को मारेंगे। एक इसमें होस्टेज का एक जो बंदी था, ठीक है, उसका बेटा डिसेबल्ड था, फिजिकली चैलेंज्ड था, तो उससे बोला गया कि तुम्हारे पीस पीस काट के तुम्हारे अपंग बेटे को भेज देंगे। कुछ लोगों को तो दोस्तों बांध के रखा जाता, नहीं सबको बांध के रखा जाता था, तो जो ब्लाइंड फोल्ड होता था, जो आंखों पे पट्टी बांधी जाती थी और जो हाथ पीछे बंधे होते थे, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, पता नहीं कब तक, हर चीज में परमिशन लेनी पड़ती थी, खाना भी दिया जाता था तो कभी नहीं दिया जाता था, अगर कुछ भी बिना परमिशन के करते तो दिया एक घसीट के, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था। लोग परेशान हो गए थे जो बंधक थे, दो लोगों ने तो सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश की थी, सुसाइड करने की कोशिश की थी, ये टेस्टिमोनीज है, ठीक है, जो लोग बंधक थे जब अमेरिका आए उन्होंने सब बताया। अब कितना सच है हो सकता है, लेकिन दोस्तों सच ही, क्योंकि बहुत लोग तो इसमें रोने लगे बताते बताते, और ये हुआ होगा डेफिनेटली, जब इतनी ज्यादा नफरत है ये हुआ ही होगा। कुछ लोगों ने तो अपने सर दीवार में दे मारे कि हमको जीना ही नहीं है। एक बंधक ने गिलास लिया और अपने पूरे हाथ पे तोड़ लिया, पूरे कांच अंदर तक घुस गया, उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता था, बिल्कुल अकेले रखा जाता था, और अगर इन लोगों को पता चल जाता था कि इन्होंने भागने की कोशिश की है तो और बुरी तरीके से मारा जाता था इनको। लेकिन उनको पता था इनको मरने नहीं देना है, अगर ये मर गए तो अमेरिका फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये स्लो टॉर्चर था एक तरीके से। एक बंधक बताता है कि एक रात क्या हुआ था कि हम सब कमरे में बंद थे, हमको किसी के आने की आवाज सुनाई दी, और ये वही लोग थे जिन्होंने हमको बंधक बना के रखा था। इन्होंने हमारी आंखों पे पट्टी बांधी, उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है, ठीक है, पीछे हाथ बांधे, हम लोगों को घुटने के बल बैठाया और बंदूक रख दी, और जैसे ही बंदूक चलाई हम लोग डर गए, हम लोग की हालत खराब, हम लोग रो रहे थे, हम लोग कांप रहे थे, और जैसे ही बंदूक चलाई उसमें कुछ नहीं निकला, ये एक जोक था, वो लोग खाली हमारे साथ खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, मजाक के लिए उन्होंने ये किया था। तो समझ रहे हैं, खेलते थे ये लोग एक तरीके से अमेरिकन के साथ, ये अमेरिका ने इतने साथ हमारे साथ खेला है, अब हम इनके साथ खेलेंगे। तो इतनी बुरी प्रॉब्लम हुई थी। बहुत लोग जब वापस, जब इनको छुड़ाया गया तो वापस जब ये लोग अमेरिका गए तो काफी दिन, काफी बंधक तो ऐसे थे जो काफी समय तक उबर नहीं पाए, ये जो टॉर्चर है ताउम्र उनके साथ रहा, ठीक है, ये सब कुछ होता था, सपनों में यही सारी चीजें दिखाई देती थी। अब अमेरिका के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। 1981 में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, रोनाल्ड रीगन है, रोनाल्ड रीगन ने तुरंत ही कुछ सरप्राइजेस, हम देखते हैं कि इसको अक्टूबर सरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है, कुछ सरप्राइजेस प्लान किए जिसमें था कि बंधकों को छुड़ाना है। तो द फेमस अल्जीरियस अकॉर्ड साइन हुए जिसके तहत 20 जनवरी 1981 को नेगोशिएशंस किए गए और उसके बाद इन सबको छुड़ाया गया। इसमें क्या था दोस्तों, अल्जीरियस अकॉर्ड्स में यही था, सबसे पहले तो बंधकों को छोड़ देंगे, ठीक है,
अब शर्तें क्या क्या थी? पहली बात तो यह है कि अमेरिका कभी भी ईरान के पचड़े में नहीं पड़ेगा, इंटरनल मैटर्स में कभी भी आप नहीं आएंगे। दूसरा, जो भी अमेरिका ने यहां पर इंडस्ट्रीज है, उन्होंने जो भी जमीनें खरीदी है वो हमारी होंगी। उसके बाद दोस्तों फिर यही था कि इसी के बदले हम आपके लोगों को छोड़ेंगे, और फिर अमेरिका वापस आते हैं 52 के 52 बंधक, 52 के 52 लोग। फिर इनकी बकायदा परेड करवाई जाती है, हीरोज ऑफ द न्यूयॉर्क इनको बोला जाता है, ये तो बच के वापस आए तो हीरोज हैं। उसके बाद फिर इसमें बहुत लोगों ने बाद में इंटरव्यू दिया, कुछ लोगों ने किताब भी लिखी, मूवीज भी बनी, वो सब अवेलेबल हैं, आप जरूर देखिएगा। तो ये लेक्चर था दोस्तों, देख रहे हैं ना, एक देश की सजा करता कोई है और भुगतता कोई है। अमेरिका के CIA FBI ने ये किया, और वहां पे जितने लोग थे, जितने अमेरिकन थे, उन सबको इसका फिर भागीदार बनना पड़ा। तो ये कहानी थी, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।